जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आजकल वीडियो एडिटिंग में मतलब आप आजकल क्या पहले भी और आजकल कुछ ज़्यादा ही सब लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। दो तरह के यूज़र है देखा जाए, एक तो जिनको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम मतलब इधर उधर फेसबुक, एक वो लोग जिनको भाई थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करनी है, अलग अलग तरीके से सिनेमैटिक वीडियो बनाना हो, कलर इफेक्ट अप्लाई करना हो, वो सारे काम, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना हो, ये काम भी हो जाएगा यहाँ से। तो सबका ख्याल रखा हुआ, उसके लिए हमें एक एडिटिंग एप्लीकेशन चाहिए, बहुत सारे आते हैं। बट दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर में होता क्या है, वाटरमार्क आ जाएगा भाई, पूरी वीडियो एडिट किया साइड में लिखा आ जाएगा एडिटेड बाय ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर और पूरा। तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर वीटा एप्लीकेशन, ये वैसे एंड्रॉयड और आईओएस पे दोनों पे है, मैं एंड्रॉयड के साथ यहाँ पर आज आपको दिखा रहा हूँ। और ओपन करते ही सबसे पहला काम तो वही करेंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वीटा वाटरमार्क, इसको हटा दो, अब वाटरमार्क नहीं आएगा। और क्वालिटी भी अगर आप देखोगे ना, ऐसे 320p से लेके फुल HD तक की वीडियो एडिट कर सकते हो आप। और एक और काम कर सकते हो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, कर सकते हो नहीं कर देना। अब जिसको लगाना है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसी ऐसी जगह स्टेटस, क्विक वीडियो बनाना है छोटी सी मस्त सी, कोई मेहनत करना ही नहीं, टेम्पलेट में जाना, यहाँ पर आप देखो ये बहुत सारे ना ऐसे प्री अप्लाइड आपको ना वीडियो के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं टेम्पलेट, इसमें ना ऐसे ऊपर बहुत सारे हैं, ऑल करेंगे तो काफ़ी सारे हैं, तो अलग अलग आप देख सकते हो पॉपुलर कौन से हैं, इसमें से जो आपको पसंद हो। जैसे मुझे ये ठीक लगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट करते ही पूछेगा भाई कौन सी वीडियो को एडिट करना है या कौन सी फोटो को, हम लोग फोटो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी फोटो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेहनत पता कितनी है, इतनी सी मेहनत है इसको ओके करना, ओके करने के बाद ये वीडियो तैयार होगी कुछ ऐसी। बिना किसी वाटरमार्क के, बिना कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग का लोड लिए फटाफट ये आपकी एडिट हो गई, और उसके बाद कर दो आपको जहां भी अपलोड करना है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी है। अब भाई दूसरा ऑप्शन, जैसे जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है प्रॉपर, जैसे मान लेते हैं कहीं घूमने जाते हो आप लोग, बेसिकली क्या अलग अलग वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो, या फिर मान लो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो आप, वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, फिर उसको कंबाइन करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, जहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी पड़ सकती है, इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांजिशन हो गया, या फिर मतलब एक वीडियो में दूसरी वीडियो लगा देना बात करते करते, जैसे मैं दिखाता हूँ ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे दूसरी वीडियो लग गई, तो ये सारा कमाल ये दूसरे ऑप्शन में। और यहाँ पर भी मतलब ऐसे कोई टिपिकल ऑप्शन नहीं, काफ़ी इजी सा है, यहाँ पे गए न्यू प्रोजेक्ट पे और मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया, ये खुद ही पूछेगा कौन सी वीडियो उठानी है। तो मैं ऐसे आपको पता ही आईफोन 12 का रिव्यू जब मैंने किया था तो मैं संगम गया था और वहाँ से मैं वीडियो क्लिप उठा रहा हूँ, है ना, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं यहाँ पे, मैंने इसको उठा लिया। आपकी मर्जी है 2-3-4 या फिर एक वीडियो उठानी उठा लो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि एक बार जो सिलेक्ट कर लिया वही वाले क्लिप एडिट होंगे, बाद में आके यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ से आप और भी वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो जितनी आपको ठीक लगे। तो इन सारी क्लिप को मिला के अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जल्दी से आपके लिए, जैसे ये वाला, इस टाइम हम लोग हैं, ये यमुना नदी है, ये चालू है यार, ये पहले से ऊपर आ गए, देख रहे हो खाने के लिए, मतलब मस्त इनका लंच। बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे मैंने ये वाला क्लिप मैंने इतने सारे सेलेक्ट कर लिया ना, अब जैसे ये क्लिप है भाई यहाँ पर तो ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया ना, मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए कि यहाँ से साइड से आया, उसके बाद मैं इसके ऊपर नाव के ऊपर चढ़ गया मस्त। तो एडिटर में ही वीडियो को प्ले करके देख लो आप, जहाँ से लगे आपको यहाँ से आपको क्लिप चाहिए वहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है नीचे दिया हुआ है, वहाँ से स्प्लिट कर दिया और जहाँ तक चाहिए वहाँ पे जाके फिर स्प्लिट कर दिया, और दो मतलब 2-3 पार्ट बन गए ना इसके, जो पार्ट मुझे चाहिए था वो रहने देंगे, बाकी जो स्प्लिट होके पार्ट बने ना उसको यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है सिंपली डिलीट कर दिया, और गलती से स्टेप गलत हो जाए तो बैक का ऑप्शन भी है तो वो वापस आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमारी नाव चलनी शुरू होगी वो वाला सीन चाहिए, तो लाइक मुझे क्या करना है ये वाली क्लिप में से भी वही करना है कि बाकी जो फालतू का पार्ट है स्प्लिट किया और उन पार्ट्स को निकाल दिया, जितना चाहिए था वो वाला रख दिया, ऐसे ही मैं सारे पार्ट को कट कट करता रहूंगा। और यहाँ पर जैसे एक PIP मोड है, पिक्चर इन पिक्चर मोड, जैसे सीन कुछ इस तरीके से है, इस टाइम हम लोग हैं, ये यमुना नदी है, जैसे मैंने कहा ना ये यमुना नदी है, तो यमुना नदी का सीन मैं दिखाना चाहता हूँ, एक दूसरी वीडियो क्लिप में मेरे पास वो है, तो PIP मोड पे गया मैंने, दूसरी वीडियो को सिलेक्ट किया, वो अपने आप आ जाएगी नीचे वाली लेयर में, तो जहां से मैंने कहा जैसे ये यमुना नदी है तो यमुना के पार्ट पे यमुना नदी मुझे दिखाना है, तो ये ऐड हो गया। तो इस PIP मोड का काम ही यही है, मतलब मेन वीडियो चल रही है इसमें छोटी सी स्क्रीन पे कहीं वीडियो ऐड करना हो या फिर पूरी स्क्रीन पे वीडियो ऐड करना हो,
या डबल रोल बनाना हो तो ये आपके ऊपर है, कैसी भी वीडियो ऐड करो। जैसे मान लेते हैं कि भाई मुझे एक फ़ोटो भी यहाँ पे लगानी, तो मैंने ये यहाँ पे जाके ऐड का ऑप्शन है, फ़ोटो को ऐड कर दिया। और अब फोटो मतलब क्या है, कुछ ऐसा इफेक्ट डालते हैं ना कि कैमरे से क्लिक हुई है, क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, म्यूजिक के ऑप्शन में जाना, यहाँ पर इफेक्ट मिलता है आपके सामने ही, काफ़ी सारे इफेक्ट दे रखे हैं, फ्री है, मतलब इनको डाउनलोड कर लेना जो आपको ठीक लगे। जैसे मुझे ये कैमरे वाला चाहिए था तो मैंने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। आपके पास पहले से अगर फ़ोन में है, यानी कि आप खुद के अपने म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो, या बॉलीवुड म्यूज़िक वगैरह कुछ भी लगाना, वो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। भाई पूरी वीडियो में म्यूज़िक होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। तो दोबारा मैंने क्या किया, वही म्यूज़िक पे गया, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए ना, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे म्यूज़िक है अलग अलग कैटेगरी के। इनमें से जैसे ये वाले म्यूज़िक मुझे पसंद आया, ये वाला मैंने अप्लाई कर दिया। ये एक लेयर बाय लेयर बनती रहेगी, मतलब एक मेन लेयर, उसके बाद आप PIP मोड अगर लगाओगे तो सेकंड लेयर, उसके बाद अगर आप म्यूज़िक अप्लाई करोगे तो थर्ड लेयर, एक और म्यूज़िक अप्लाई करोगे तो फोर्थ लेयर, लेयर बाय लेयर लेयर बोलते हैं इसे। और जिस लेयर को आपको कट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, उस लेयर को क्या करना है, उसी को सिलेक्ट करके आपको कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है। जैसे मुझे इस म्यूज़िक को यहाँ से सेलेक्ट करना था, मैंने इसको सिंपली जहाँ से अच्छा लग रहा था वहाँ से अप्लाई कर दिया। और उस म्यूज़िक के वॉल्यूम को भाई आप मैनेज कर सकते हो, नॉर्मल 100% पर है, 20%, 50%, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे चाहिए कि थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूज़िक आए, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर इस म्यूज़िक के वॉल्यूम को डाउन कर दिया, बिल्कुल हल्का 10-15। तो किसी वीडियो पार्ट को आप स्लो भी कर सकते हो, इस पोर्शन को मुझे स्लो करना था, यहाँ पर गया, स्लो या फास्ट करने का दोनों का ऑप्शन है। और इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे ये फोटोज़ था ना, इनको मैंने थोड़ा सिंपल के बजाय थोड़े इफेक्ट अप्लाई कर दिया, ऐसे जूम होके आए, जूम होके जाए, तो मैंने ये वाला इफेक्ट जो पसंद आया आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट दे रखे, ये वाला इफेक्ट बस उस पर सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पर जाना है और उसको अप्लाई कर देना है। एंड इंटरेस्टिंग ये भी लगेगा आपको कि इफेक्ट की कोई कमी नहीं है, इफेक्ट में जाके अगर आप देखेंगे ना, ये नॉर्मल काफ़ी सारे इफेक्ट है, ऐसे वीडियो जूम हो, साइड से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, वो आपके ऊपर है। और अगर वीडियो को चाहो तो आप ना ऐसे एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक लुक भी दे सकते हैं। एक छोटा सा और काम बचा है, वीडियो में फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पानी वाला सीन है ना, थोड़ा थोड़ा नीलापन हल्का सा उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी सारे दे रखे, जैसे आपको जो भी अच्छा लगे वीडियो के हिसाब से, मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। ये आपसे पूछेगा भाई वीडियो के किसी पोर्शन पर अप्लाई करना जो आपने कट कॉपी किया ना शुरू में, या फिर पूरी वीडियो में अप्लाई करना है, मुझे पूरी वीडियो अप्लाई करना है, और कितना अमाउंट करना है ये भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो मैंने पूरी वीडियो पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये सारा काम खत्म हो गया और ये मैंने कर दिया इसको एक्सपोर्ट, तो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैंने बेसिक से एडिट करके दिखा दिया, ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वैसे आप इसको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर जहाँ मर्जी इसको खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो आजकल मैं आपके लिए ना ऐसे अलग अलग डिफरेंट कंटेंट ट्राई कर रहा हूँ, ताकि ऐसे ना थोड़ा मतलब होता ना आपको भी मज़ा आए। तो भाई एक बार आप एडिट करके देखना, फिर मुझे बताना कैसी लगी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया बहुत इजी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।